एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई, दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी, तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो, तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है, एक नहीं कई कारें 12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे, कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये 12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान में लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो,
ड्रामे की बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो करंट नहीं है, करंट फोटो देख लीजिएगा, एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल असल में, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो, 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ, सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया, भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई, सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही है, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे, कहां थे जब लोग चीख रहे थे, पूछे प्रधानमंत्री से अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि उस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000-8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे, पूछे अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12-12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी। तो इसलिए असल मुद्दा है पुलवामा में मारे गए हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दो, जो विषय वहां के तत्कालीन राज्यपाल, मौजूदा पूर्व राज्यपाल, चार राज्यों में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अडानी के महाघोटाले पर, लाखों करोड़ के महाघोटाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब सरकार कब देगी, उस पर चर्चा कब होगी। और प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे। सवाल यह है कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर की मरम्मत में दिल्ली के लाट साहब खर्च करते हैं, उसका जवाब कब दोगे। 1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है, इसका जवाब कब दोगे। सवाल यह है कि सैकड़ों करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप के नाम पर हिंदुस्तान में उस वक्त खर्च किया गया जब कोरोना की महामारी का भय था पूरे हिंदुस्तान में, उस वक्त आप अमेरिका के राष्ट्रपति को लाके नमस्ते ट्रंप, टाटा ट्रंप कर रहे थे, इसके लिए जवाब दे कौन है, जिम्मेदार कौन है। इसलिए मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर बात करो, जवानों की शहादत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए गद्दारी किसने की, देश से धोखा किसने किया, ये बड़ा मुद्दा है,
अडानी के साथ मिलकर घोटाले पे घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये मुद्दा है। इन मुद्दों पे बात करो, इन मुद्दों पे चर्चा करो। सवाल है, आप कह रहे हैं कि कुछ राजनेता जो है अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचारियों को साथ में लाते हैं। कई राज्यों में देखा गया कि बाहुबली को छोड़ा जा रहा है, जो कि आईपीएस के आईएएस के हत्यारे हैं। इस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, बिहार में हुआ है आनंद मोहन पर? देखिए, मुझे उस विषय की पूरी जानकारी नहीं है कि क्या पूरा मामला है। अभी आपके माध्यम से मैं सीधे लखनऊ से आया और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ। पूरी घटना की जानकारी हो जाए तो जरूर आपकी बात का जवाब देंगे। इसमें जो कागज दिखाए जा रहे हैं, उससे कितना आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि ये जानकारी सही नहीं है या फैक्ट से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कानूनी रास्ता अपनाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के घर में तीन घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाड साहब से भी तो पूछिए आप। 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ, 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। चलो उससे आगे निकल जाओ, प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उससे भी आगे निकल जाओ आप। 500 करोड़ रुपए का हमारे देश के फकीर, हमारे देश के झोला छाप फकीर प्रधानमंत्री, जिसको अपने आप को कहते हैं मैं झोला छाप प्रधानमंत्री हूं, उनका जो घर बन रहा है वो 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। और उसके पहले उस विराट महल में जाने से पहले 90 करोड़ रुपए खाली घर के रिनोवेशन में खर्च हो रहा है। ये फैक्ट्स, इस पे बात करो। कितने लाख का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख के पेन इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख का सूट पहनते हैं, करो चर्चा करिए कि 12-12 करोड़ की कारें उनके काफिले में क्यों घूमती हैं। चर्चा करिए कि 8,500 करोड़ रुपए का जहाज उन्होंने क्यों खरीदा। और ये दोनों काम उस वक्त किए जब कोरोना की महामारी थी देश में। क्योंकि आज मैं वो ड्रामेबाज प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कोरोना का जिक्र कर रहा था। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को जब चिंता होनी चाहिए थी शमशान में जल रही लाशों की, तो उस वक्त तो वो चुनाव की रैली कर रहे थे बंगाल में, कोरोना फैला रहे थे। भूल गए वो दिन? पीछे तक भाइयों बहनों भीड़ी भीड़ दिख रही है। वो लोग आज कोरोना पे बात करेंगे? दिल्ली की सरकार वो सरकार है जिसका स्वास्थ्य मंत्री सत्येन जैन जीवन मौत से बाहर निकला, लोगों की सेवा करते हुए गली गली अस्पताल अस्पताल मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी दूसरे दिन वो लोगों की सेवा के लिए निकले थे। हमारे कार्यकर्ता गली गली में घूम घूम के सैनिटाइज कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध थे। ड्रामे करना है, बात करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।